नमस्ते कुमार शंभो भैया, आपको नमस्कार, आपके गुरु को नमस्कार। जी, आपके गुरु के गुरु को नमस्कार। इस प्रकार ज्ञान की समस्त परंपरा को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्ञान के समस्त स्रोतों के प्रति मेरी कृतज्ञता है, तथा इस मेरी यात्रा में जो मेरे साथी, सहयोगी, को एक्सप्लोरर और यूएचपी टीम के बाकी जो सदस्य हैं, उन सभी को भी मेरा नमस्कार है। मेरा नाम अखिलेश्वर पांडे है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसा दीदी ने बताया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी है, उनका नाम अनुपमा मिश्रा है। मेरे दो बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा है और एक 11 साल की बेटी है। मेरे मम्मी जी हैं, मेरे पापा जी हैं, मेरा एक भाई है, उसकी पत्नी है और उसकी एक 7 साल की बेटी है, वो आगरा में रहता है। इतना मेरा संक्षेप में परिचय था। इससे पहले मैं अपनी शेयरिंग शुरू करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जितनी शेयरिंग मैंने सुनी है, उन सभी भैया और दीदी लोगों की स्थिति गति काफ़ी अच्छी रही है। मेरी स्थिति अभी इस ऐसी नहीं बन पाई है। मैं अभी तक मुख्यतया इस कंटेंट को जांचने परखने में ही लगा हुआ था, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए मॉर्निंग सेशन में और उससे पहले भी कुछ अन्य लोगों से, और मुझे मेरे मेरी संतुष्टि के स्तर तक मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। स्पेशली कुमार शंभो भैया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि अभी तक मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि कोई तीन, तात्विक रूप से तीन वास्तविकताएं हैं, जड़ है, चैतन्य प्रकृति है और शून्य है। इसमें से जो जड़ है वो स्पेस और टाइम में बाउंडेड है, और जो चैतन्य है वो स्पेस में बाउंडेड है पर टाइम में अनबाउंडेड है, और जो शून्य है वो स्पेस और टाइम दोनों में अनबाउंडेड है। इसी में जड़ को अनित्य कहा, शून्य को नित्य कहा और चैतन्य को निरंतर कहा। अब चूंकि दृष्टा भाव में मैं हूं, और जब मैं देखना शुरू करता है तो वो या तो बाहर देख सकता है और या स्वयं में देख सकता है। तो सबसे पहले जब मानव को समझने का प्रयास शुरू किया गया होगा, या जब मैंने समझना, देखना, इस कंटेंट के माध्यम से देखना शुरू किया, तो एक शरीर और स्वयं, ऐसे दो वास्तविकताएं अलग अलग देखने का प्रयास शुरू किया गया। इसमें से, इससे पहले तक, कंटेंट से पहले तक मुझे ऐसा बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मैं कुछ अलग हूं और शरीर अलग है। इस कंटेंट के साथ जब शुरू हुआ तो एक मोटा मोटा अनुमान बनना शुरू हुआ। इसके बारे में अभी आगे और बात करें। फिर जब अस्तित्व में अब बाहर देखना शुरू हुआ तो अपने को जो है चार कैटेगरी में उनको बांटा। पदार्थ अवस्था की इकाइयां हैं, प्राण अवस्था की है, जीव अवस्था की है और ज्ञान अवस्था या मानव अवस्था की इकाई है। तो इसमें से हर इकाई, हर कैटेगरी में जो इकाइयां हैं उनको हम लोग चार और टाइप से, उनका ब्रॉडर उसमें समझने के लिए, मतलब कोई चार पैरामीटर हैं जिनको हम समझ सकते हैं किसी इकाई के बारे में, वो हैं रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। इसमें से रूप और गुण जो है वो हम प्रचलित अभी जो हमारी कॉम्पिटेंस है उसमें हम रूप और गुण आराम से देख पाते हैं, लेकिन स्वभाव और धर्म को देखने की अभी हमारी दृष्टि विकसित नहीं है, वो सूक्ष्मता का स्तर अभी नहीं है। इसमें से जो स्वभाव और धर्म है, तो स्वभाव जो है वो व्यवस्था की भागीदारी के क्रम में है, और धर्म जो है वो उसकी स्वयं में व्यवस्था, उसको समझने का है। तो इसमें अगर इस दृष्टि से ये कहा गया कि अगर शुरुआत मानो अगर स्वयं से करें, तो स्वयं में क्या है, मानो क्या है, वो जड़ और चैतन्य दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो समझने को काफी कुछ मानो के स्वयं के लिए ही है ना। तो अगर मानो का स्वभाव और उसका धर्म, जो कि सुखधर्मी होना बताया है, तो अगर ये इस पे विशेष रूप से दृष्टि जाए तो बाकी चीजों को समझना भी आसान हो जाता है। इसी में फिर जो मानवतापूर्ण आचरण की बात है, तो इस पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस में ये समझ में आया कि बाकी सब चीज व्यवस्थित है, अव्यवस्थित तो सिर्फ मानव है।
और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस कंटेंट से पहले ही मुझे ऐसा थोड़ा सा आभास था कि गड़बड़ी तो सारा मानव ही कर रहा है, तो जो इसी वजह से परेशान सिर्फ मानव ही है, बाकी जो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था है वो आराम से रह रहे हैं। तो मानव का जो अब सवाल है, मानव का मानव कैसे ठीक होगा, उसका आचरण कैसे ठीक होगा, तो चूंकि वो ज्ञान अवस्था की इकाई है तो वो ज्ञान से ही ठीक होगा। और ये ज्ञान और समझ जो है ये शिक्षा संस्कार विधि से होना है, और हम और आप सभी बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, हम सभी प्रोफेसर्स हैं, हमारे हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। जो एक्सरसाइज मैं इस कंटेंट से जो जुड़ा, मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था, तो वो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के लालच में मैं इसमें जुड़ा हुआ था। UHV कंटेंट को तो मैं जुलाई 2020 से जानता हूँ, बट इसके बारे में मैं नहीं जानता था, तो एक कोई मेरे मित्र है, उन्होंने बताया। तो इसमें से जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है, तो एक्सरसाइज 1 को जो पहले के जो 3 स्टेप हैं ना, कि अपने भाव विचार को देखना, वहाँ तक मैं पकड़ पाता हूँ, और उसके पीछे के जो मान्यताएं हैं या समझ है, तो उसमें कई बार मान्यता है तो कई बार पकड़ में आता है और कई बार नहीं आता है। तो इसको मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो अभी मैं स्टेप 4 और 5 में कभी सफल होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ। हाँ, बट एक्सरसाइज 2 में मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी अपने स्तर पे किया, तो उसमें मैंने क्या कि वो स्टेप बाई स्टेप नहीं चल के, उसको मैंने मतलब शरीर और मैं एक अलग अलग वास्तविकता है, तो स्टेप तो किए लेकिन उनको क्रम से नहीं किया, तो मतलब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट सा करता रहा। बट मुझे ये अनुमान है, हो गया है अब, कि मैं एक अलग चीज हूँ और शरीर एक अलग वास्तविकता है, इससे पहले मुझे ये नहीं था। तो मेरा जो एक बड़ा उपकार हुआ है इस मॉर्निंग सेशन को करने से, कि मुझे एक अनुमान सा बना है। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ जो भाषा इस्तेमाल होती कि मैं सीधे सीधे देख रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक अनुमान बना है जरूर, और बड़ा सुखद भी लगता है जब मैं इस वास्तविकता को देखता हूँ या इसको अनुमान लगाऊं या जो भी कहूं मैं, तो मेरे बड़ा आराम मिलता है। जैसे मेरे जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब उसको इस प्रकार से देखता हूं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अतिरिक्त कुछ हूं, तो काफ़ी कुछ आराम मिलता है। और जो शून्य के माध्यम से देखने और समझने, वो बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो ठीक है, वो शायद एडवांस चीज़ है, वो आगे आ सकती है। पहले ये दोनों एक्सरसाइज अगर ठीक से होंगी तो होगा, और मैं इस पर अभी लगातार प्रयास कर रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये कंटेंट और इससे जुड़े हुए लोग मुझे बहुत ईमानदार लगे, तो इसीलिए मैंने भी एक अपने लिए बांधा है कि इसके साथ मैं बहुत ईमानदारी से प्रस्तुत होऊंगा, और ये ईमानदारी मेरे अपने लिए भी है और मेरे जो साथ के जिनसे मैं संपर्क में आता हूँ उनके लिए भी है। अब मैंने 3 शेयरिंग बेसिकली तैयार करी है शेयर करने के लिए। एक मैंने पहले भी शेयर करी थी सेशन में, एक मेरे स्वयं से संबंधित है, एक मेरे परिवार से संबंधित है, और एक मेरे कार्यस्थल समाज से संबंधित है। शेयरिंग करने से पहले मैं बताऊं, मेरे इस कंटेंट जब जुलाई 2020 में मैं इस कंटेंट के थ्रू जा रहा था, तो हम पति पत्नी दोनों लोग इलाहाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से हम लोग PhD कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर होता ही है, तो उस समय कुछ आपस में खींचतान भी रहती थी। तो जब इस कंटेंट के थ्रू जा रहा था, तो मेरी बेटी है, उसने सेंस किया कि पापा आप थोड़ा सा अभी आपको आराम में हो, आप मतलब अब ये कोर्स जो आप कर रहे हो वो ठीक है, तो मेरा ध्यान गया कि ये ज़रूर कोई अच्छी चीज़ है। फिर मैंने काफ़ी ठीक से उसको किया, और वो दिन है और आज का दिन है, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैंने इस कंटेंट के बारे में सोचा ना हो या पढ़ा ना हो। 1 घंटे मॉर्निंग सेशन के अलावा भी मैं इसमें समय देता हूँ। तो अब मैं अपनी शेयरिंग शुरू करता हूँ। तो एक तो सेल्फ के लेवल पे मेरा 14-15 साल का टोबैको का एडिक्शन रहा है, तंबाकू खाता था मैं, और उससे बहुत परेशान भी थे हम लोग परिवार में, पत्नी भी परेशान थी, मैं भी परेशान था, और वो उसका एडिक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ईस्टर्न UP का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ ये काफ़ी कॉमन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी है। बट और उसको जब छोड़ने के प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन किया और साथ में ये कोर कंटेंट चल ही रहा था,
तो मैंने डॉक्टर की हेल्प ली, तो वहाँ से कुछ दवाएं वगैरह दी गई, उन्होंने 10-15 दिन की मुझे दवाई दी, और वो दवाओं को मैंने सिर्फ 3 दिन खाया, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था, और somehow मैं उससे निकल गया। ये 1.5 साल हो गया मुझे उससे निकले हुए। तो मैं उस हैबिट से बहुत परेशान था, तंबाकू की हालत से, क्योंकि वो क्या है कि जब आप सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं तो आज के इस आधुनिक समाज में वो तो स्वीकार है, लेकिन आप तंबाकू खाते हैं तो वो स्वीकार नहीं, उसको बहुत ही लो लेवल का समझा जाता है। बीइंग प्रोफेसर आप वो खाते हैं तो और भी लोग मजाक उड़ाते हैं, तो उसको छुपाए छुपाए मैं घूमता था। बट स्टिल जब वो मैं सारा मेरा तंबाकू का नशा छूट गया तो मैं डॉक्टर के पास गया और उसको मैं गुलदस्ता देने गया कि सर आपकी वजह से ऐसा हुआ है। तो बाई सरप्राइज उन्होंने बोला नहीं, ये आपका विल पावर है, दवाओं का रोल बहुत लिमिटेड था। तो मेरा माथा ठनक गया कि इस चीज को छोड़ने के लिए मैं 5-6 साल से बहुत सीरियसली लगा हुआ था और ये मैटर विल पावर का है, तो कहीं ना कहीं मैं उसका श्रेय इस चीज को, इस कंटेंट को ही देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि मेरे अंदर की जो उठा पटक थी, जो एंग्जाइटी लेवल्स थे, उसको कहीं इस कंटेंट ने काफी रिलैक्स किया है। दूसरी शेयरिंग मेरी परिवार के प्रति है उसी सेम टाइम पे, और कुछ मेरा परिवार में भाई के साथ कुछ, और मम्मी पापा के साथ कुछ, प्रॉपर्टी को लेके हर घरों में होता ही है, वैसा ही कुछ उठा पटक चल रहा था और उससे बड़ी पीड़ा में थे हम सभी, बहुत परेशान। इस कंटेंट के साथ ही मैं लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ, जो बात कही जाती है उसको मैंने जांचने परखने में कोई कमी अपने स्तर पे नहीं छोड़ी है। मैंने खूब एक्सपेरिमेंट किया, एक एक बात को रियल लाइफ लगा लगा के मैंने देखा है। तो जब बात है कि सामान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर हमने पति पत्नी ने बात की आपस में और हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्वधन की कहीं बात आ रही थी। तो स्वधन में वही है कि जो माँ बाप अपनी इच्छा से दे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये बात हम लोगों को समझ में आई। तो हमने अपने उनको राइटिंग में लिख के दे दिया कि हमें नहीं चाहिए, और भाई को भी दे दिया। तो टू माई सरप्राइज कि जब ये बात हमने रखा प्रपोजल, तो उन्होंने तो पहले तो 10-15 दिन चेक किया कि नहीं ये ऐसे ही कह रहा है, भावना में आके कह रहा है। फिर उन्हें लगा नो हम सीरियस हैं, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ा मेरे परिवार पे, ऐसा कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते, मेरा टूटता परिवार बच गया। अब क्या हो रहा है कि जब मैंने कही कि मुझे नहीं चाहिए, तो अब सामने से ऐसा आ रहा है कि नहीं आपको लेना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी तो एक तरफ, हमारा पूरा परिवार बच गया, हमारे झगड़े खत्म। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हमारे बहुत अच्छे सारे संबंध ठीक हो गए, लेकिन मेरा परिवार टूटा नहीं, और परिवार के प्रति मेरी स्वीकृति बहुत ज्यादा थी, तो मेरे को, मैं अपने कष्टों से बच गया। अब इसको और डिटेल में नहीं करते क्योंकि एक शेयरिंग और है। फिर तीसरी है मेरे वर्क प्लेस पे जहां मैं काम करता हूँ, तो वहां पे क्या हुआ कि एक एग्जामिनेशन के कुछ भरे जाने थे, मार्क्स भरे जाने थे, तो वहां पे एक क्लर्क था और थ्रू कॉन्ट्रेक्टर वो लगा होता है। तो जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, या वैसे आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप रेगुलर हैं और फैकल्टी हैं तो आपका एक काफ़ी अच्छा लेवल होता है, कॉलेज में एक्सेप्टेंस होती है, और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल और ऐसे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं तो हायर की लेवल में काफ़ी नीचे है। बट समहाउ उसको कोई परेशानी थी या क्या थी, वो मेरे से मिसबिहेव करने लगा, और कुछ ऐसे हॉट टॉक होते होते, मतलब वो कर रहा था, मैं तो शांति था, बट वो करते करते वो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, और हाइपर इतना हो गया कि उसने मुझे गाली भी दी और मेरे बाप तक पहुंच गया, और मेरी कास्ट पे और जाने क्या क्या, उसने कुछ भी छोड़ा नहीं। बट टू माई सरप्राइज कि मुझे एकदम से दिख गया कि ये आदमी अभी जो है, ये जो कहने कह रहा है, ये अपने स्वयं के कंट्रोल में नहीं है, तो मैं अपनी सीट से उठा भी नहीं। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं रहा हूँ, मैं कॉलेज में अपने काफी एक्टिव रहा हूँ, अग्रेसिव भी रहा हूँ, और ऐसी चीज पे तो मारपीट हो ही जाती, और ऐसा मैंने पास्ट में किया हुआ था, अभी बाद में बताता हूँ। तो इस पूरे घटनाक्रम में मैं बिल्कुल शांत रहा। तो थोड़ी देर बाद वो, उसको अब कुछ मेरे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, तो उसके साथ के 2-3 स्टाफ थे उसको खींच के बाहर ले गए, अलग ले गए, और मैं बैठ के फिर शांत रहा एकदम से। मैंने कुछ नहीं, मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, बोला कोई बात है तो आप कहिए, ये बदमाश है, मैं इसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप उसको छुट्टी दे दो, वो घर चला जाए और मैं स्वयं हैंडल करूंगा इसको, आप वो चूंकि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे है तो आपको 2 मिनट लगता है उसकी जॉब चली जाएगी। बट मैंने कहा नहीं, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको बात करूंगा।
तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैंने उससे बात करी और लोगों से भी बात की, तो समझ में आया उसकी कुछ वही फैमिली में प्रॉब्लम्स थी कुछ, और जैसा मेरे साथ था, हम फैमिली में परेशान होते हैं तो वर्क प्लेस पे गड़बड़ करते हैं वैसा कुछ करके। तो मेरी बाद में उस समय, मैं उस समय शांत रहा तो उस समय भी मैं आराम में था, और लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इतनी बड़ी परेशानी थी और उसको मैंने सिर्फ अपना थोड़ा सा भाव विचार थोड़ा कंट्रोल में रखने से कितनी बड़ी परेशानी रोकी और मैं कितने आराम में था। इससे पहले ही एक घटना, जब कंटेंट के साथ नहीं था, कोई 4-5 साल पुरानी है, मैं साथ के एक फैकल्टी से मेरी मारपीट हो गई थी, काफी अग्रेसिव रहता था मैं उस समय, थाना पुलिस और सारी कचहरी हुई, और लास्ट में फिर वो कुछ लोगों को बुला के, और मतलब उस एपिसोड में दुनियादारी के हिसाब से मैं जीता है ना, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दी उस समय ऐसे कहने को, बट अंदर से मैं जानता हूँ कि मैं जीता नहीं था। मैं जब उस आदमी को देखता था, मैं अंदर से एक होता था कुछ कर तो नहीं देगा, कुछ कर तो नहीं, वो भी मेरे मित्र ही हैं। तो अब उस ताप से मैं लगातार परेशान रहता, जब उनको देखता था उसकी गाड़ी भी आ रही सामने से, मुझे डर लगता था कहीं लड़ा ना दे, इस तरह से था, बिल्कुल मन की बातें बोल रहा हूँ आपसे। फिर बाद में क्या हुआ कि उसको हमने तो मैंने दोनों कंपेयर किया लास्ट में, कि एक था जब मैंने लड़ाई करी और एक था जब मैंने कंटेंट के साथ समझ के साथ उसको लड़ाई नहीं करी, तो दोनों में मुझे फायदा तो लड़ाई ना करने में ही दिखा। तो जो बात यहाँ कही जा रही है उससे उसके प्रति मेरा जो जुड़ाव है वो और गहरा हुआ कि लड़ना नहीं है ऐसे करके। और फिर क्या हुआ कि जिससे मेरी पहले फैकल्टी जो थे जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी, इस कंटेंट के साथ अभी मॉर्निंग सेशन में चल रही थी, तो एक बार स्नेह का डिस्कशन हो रहा था, तो फिर उसके प्रभाव में आके मैंने उनसे भी बैठ के, साथ में बैठ के उनसे मैंने माफ़ी मांगी। तो उनको लगा कि ये कोई ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपने पब्लिकली मुझसे झगड़ा किया था तो आप मुझसे पब्लिकली माफ़ी मांगी, मुझे ठीक बात लगी। तो फिर मैंने पब्लिकली कई सारे फ्रेंड वगैरह को बुला के सबके सामने उनसे माफ़ी मांगी, फिर उसका जो है पूरा हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया, और हमारी वो जो गांठ थी वो खुल गई और हम अच्छे मित्र हैं, हम लोग अभी जल्द ही खाना खाने साथ में परिवार के साथ जाते हैं। तो ये जो तीन शेयरिंग थी, ये मैंने तीन, वैसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये तीन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि एक स्वयं से संबंधित है, एक परिवार से संबंधित, एक कार्यस्थल के संबंधित है। अब लास्ट में चूंकि समय भी लिमिटेड है, लास्ट में अब समय जो देने की बात है, तो एक तो स्वयं के भैया से, कुमार शंभू भैया से बात होती तो ये था कि दो स्तर पे काम करना है, एक अपने अंदर के लिए, अंदर के स्तर पे, और एक बाहर के स्तर पे। अंदर पे अपने स्वयं के ज्ञान और समझ के लिए तो मैं बिल्कुल 1 से 3 घंटे तो मैं लगा ही रहा हूँ, 1 घंटे मॉर्निंग सेशन का, 1-2 घंटे मैं दिन में जब भी समय मिलता है मैं पढ़ता ही हूँ। और दूसरा है व्यवस्था में जो भागीदारी का, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं नहीं कर रहा था, शायद इसीलिए मेरी अच्छी गति नहीं बनी और बाकी लोगों की अच्छी गति है, तो मैं इसको करूंगा, मैंने ऐसा सोचा है। मेरा कुछ पीएचडी का काम था, वो मैं सबमिशन के करीब हूँ, और तो ऐसा करके मैं कुछ ये भागीदारी वाला पार्ट जरूर करूंगा ऐसा मैंने सोचा है, और 1 से 2 घंटे डेली का जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा करूंगा। और बिल्कुल नज़दीक में अभी कॉलेज को एक, अभी कल परसों आया था, उसको नोडल सेंटर बनाने के लिए कुछ हम लोग कोर्स वगैरह करा सकते हैं, तो उसको भी मैं देख रहा हूँ। और अभी का प्लान ये है कि नेक्स्ट, क्योंकि अभी मेरी एक्सरसाइज का क्रम बाकी है उसको ठीक करना है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करूँगा और फिर जो सार सत्र है उसको अटेंड करना है, तो इस साल का तो ये प्लान है। और फाइनली प्रपोजल इज वेरी एक्सेप्टेबल एंड वेरी डियर टू माई हार्ट, एंड मैंने इसको जांच परख लिया है, मेरी अभी यात्रा की तैयारी है अभी है, लेकिन मेरी गति अभी अच्छी नहीं है, तो उसको करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश्वर भैया। आपकी ईमानदार थैंक यू। शेयरिंग हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। जी थैंक यू। जी जी भैया जी दीदी भैया को नमस्ते। भैया बहुत शॉर्ट में रख रही हूँ कि दो बातें सबसे अच्छी लगी। वो एक है कि ये जो पूरे टीम है यूएचवी के, तो वो ईमानदारी की जो बात आप की है वो सच में इतना इंस्पायरिंग है। तो मतलब एक लिविंग में दिख जाता है, कंटेंट इज बीइंग लिव्ड। और दूसरी बात
बात है कि आपको जो आपके जो फाइट्स थे उसमें ऐसे आप नहीं छोड़ा कि फाइट्स करने अच्छी बात नहीं है, जो एडवाइस में आ जाते हैं, मॉरल साइंस में आ जाते हैं स्कूल्स में, लेकिन ये जो आपको दिख गया कि उससे आपको अपना जितना डिस्कम्फर्ट है, असहज है आप अंदर से, फाइट्स खत्म होने के बाद भी और विन करने के बाद भी, वो शायद सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस शायद वही है कि नेचुरली एक्सेप्टेबल ही नहीं है हमारे वो जो निगेटिव फीलिंग्स। जी भैया नमस्ते। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। नमस्ते भैया, अच्छी प्रस्तुति भैया रही आपकी, और ईमानदारी से की गई भैया प्रेरणादायी जो है ये भैया प्रस्तुति है आपकी, और भाव पर भैया आपका ध्यान जा रहा है और गहराई में ध्यान जा रहा है और स्वभाव में अस्तित्व होने की सकारात्मक गति है भैया। धन्यवाद भैया, शुभकामना। थैंक यू भैया, धन्यवाद। अखिलेश्वर भैया की बात करें तो उन्होंने जो ये तीन बातें बताई पिछले कुछ समय में, जो उन्होंने निर्णय लिए, वो दिखता है कि किस तरह से वो निष्ठापूर्वक अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हम अपने भाव में कितने सजग हुए हैं, हमें कितना परिमार्जन या परिवर्तन हुआ है, इस बात से दिखता है कि हम निर्णय क्या ले रहे हैं। और जिस तरह की तीन परिस्थितियां बताई और उसमें इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया है और उसमें बने रहे हैं, ये एक उपलब्धि की बात है। तो अखिलेश्वर भैया का भी उन्होंने काम शुरू किया है और उनके जिस तरह के प्रश्न आ रहे थे सत्र में और जिस तरह से वो कंटेंट की बारीकी पे भी ध्यान दे रहे हैं, उससे काफी अच्छी संभावना दिखती है मुझे। अभी उनका पीएचडी का काम चल रहा है, समय की थोड़ी कमी है, परंतु मुझे लगता है इसके पूरा होने पे आपके पास अधिक अवसर रहेगा और आप और अच्छे से भागीदारी कर पाएंगे, अपने ऊपर भी काम कर पाएंगे। मतलब अपने संवेदना के अभ्यास को लेकर जिस तरह का आपका निर्णय रहा, परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर जिस तरह का निर्णय रहा, और साथ ही किसी मित्र के साथ है ना, कई लोगों के में प्रेजेंस में आपने जिस तरह से अपनी गलती को स्वीकारा, तो ये सब दिखाता है कि आप अपने ऊपर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी संभावना दिख रही है मुझे। आप मॉर्निंग सेशन में जुड़े रहें और मुझे लगता है कि अभी जितना भागीदारी का अवसर है उसका सदुपयोग करें और धीरे धीरे और भागीदारी बढ़ेगी। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना और बधाई दिया मृणाली दीदी, धन्यवाद जी। बहुत ही बढ़िया भैया, उत्कृष्ट शेयरिंग रही आपकी। बिल्कुल, जो है ना आज की अखिलेश भैया की शेयरिंग इतनी सराहनीय थी कि सब भाई बहनों के पास एक्सपीरियंस है लेकिन उनमें बोलने की जो है ना हिम्मत नहीं होती। तो आज अखिलेश्वर भैया ने जो अपने तीनों उदाहरण रखे, जैसा कि आपने ब्रीफली उसको बताया भी, वो हम सब के जीवन में है और हम सब उसमें से निकले भी हैं कई बार लेकिन शेयरिंग नहीं करते। तो लेकिन भैया ने जो हिम्मत दिखाई, जो सराहना की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और भाइयों और बहनों से भी आग्रह करता हूँ, अपने संबंधियों से आग्रह करता हूँ कि वो भी अपने जो है ना शेयरिंग को रखें, और इससे आपका तो भला हुआ ही है, दूसरे भाई बहनों का भी भला होगा। और दीदी की शेयरिंग बहुत बढ़िया रही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अखिलेश्वर भैया का वो जो उदाहरण था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ में उनकी तू मैं हो गई, उन्होंने कुछ बातें कह दी, तो इसमें भी हमारा कुमार भैया से ये मेरे भी पड़ोसी के साथ में कार पार्किंग के लिए हुआ था। तो एक बात की तरफ ध्यान जाता है कि अगली शेयरिंग में फिर मैंने इस बात को सोचा था कि ऐसी नौबत क्यों आई, मतलब वो मुझे ही आके इतनी बातें बोलने का उसमें कैसे धैर्य आ गया, मतलब क्यों ये नौबत आ गई। तो क्या हमारा ऐसा कुछ व्यवहार हो कि वो इस तरह से हमसे बात ना करे अगली बार, तो इस तरफ भी अपना ध्यान जाना चाहिए, बस ये बात शेयर करनी थी। जी अखिलेश्वर भैया। जी भैया, वो थोड़ा ध्यान गया था मेरा बाद में और उसके लिए मैंने उससे माफी ही मांगी थी। एक्चुअली प्रोवोकेशन मेरे साइड से ही था, है ना, वो अपन ध्यान नहीं जाता है और कई बार ऐसी बातें कह देते हैं, है ना। मैंने उससे थोड़ा वो, एक तो कॉन्फ्लिक्ट में था, दो तीन प्रोफेसर थे और सब उसको ऑर्डर दे रहे थे ये करो, मैंने कहा मेरा कब होगा, तो इस बात पे ही वो था। तो उसके लिए भी मैंने उसको जब बात करी थी तो डिस्कस किया था वो चीज़, इसी से फिर मेरा रिलैक्स हो गया ना, अभी
मतलब जब मैं पहले से मैं सरेंडर होता हूँ, मतलब अपनी बात कहता हूँ ठीक से, तो समझता है आदमी, ये है, तो मेरा ही था वो। जी भैया, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।